सदन को आप मानित करने का हक किसी को नहीं है। आप क्या बोले क्या थे आप अपने भाषण में जो बोले थे अपने नहीं, हम तो होली मिलन समारोह में बोले थे पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल दल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दे कि कल जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का मामला उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के विधायक विनय बिहारी से बात की तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज्य में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है, तो हमारी पार्टी का एक भी विधायक जो है खड़ा होकर नहीं बोला कि इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। बोलना चाहिए था, सदन को अपमानित करने के लिए किसी को छूट नहीं है। आपको लगता है सर क्या, कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह के भाषा का और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हाँ, और जो एटीट्यूड दिखा, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। आप क्या बोले क्या थे आप अपने भाषण में जो बोले थे अपने? नहीं, हम तो होली मिलन समारोह में बोले थे पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है, मतलब अपने लिए बोले थे। हम दो विधायक थे, राम सिंह और मैं, हमारे क्षेत्र में एक एक गरीब के घर 50-50 हज़ार का बिल आया है, जिसका झोपड़ी 50 हज़ार का नहीं है उसके घर 50 हज़ार का बिल आया है, और पब्लिक कह रही है कि आप लोग हिजड़ा हो गए, आप लोग कुछ बोलते नहीं, सदन में बैठे रहते हैं। हम लोग आजकल तो सब लोग के पास सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को क्या करेंगे सर, कि कल जो घटना घटी आज इस पर आप लोग कुछ करेंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे, सदन देखते हैं, सदन चलाने वाले लोग हैं, क्या करते हैं। हम तो एक विधायक हैं, विधायक की हैसियत से बैठेंगे, और हम ये बार बार कहेंगे कि सदन में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको इस तरह से कोई को भी अपमानित करने का हक नहीं है, अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। और हमारे पार्टी के जो लोग थे उन लोगों में से भी किसी ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत तकलीफ है। आपने साफ तौर पर सुना बीजेपी के विधायक विनय बिहारी का कहना है कि कल जो घटना बिहार विधानसभा में घटी वो एकदम गलत है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का अपमान किया है, और उनका यह भी कहना है कि कल इसको लेकर हमारी पार्टी के विधायकों को बोलना चाहिए था, पर हमारे पार्टी के विधायक चुप थे। वहीं उनका यह भी कहना है कि जब आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो उस ये मामले को लेकर सदन में उठाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों का भी साफ तौर पर कहना है कि कल जो आचरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था वो एकदम गलत था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो क्या जो लखीसराय का मामला था उसी को लेकर कल विवाद हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच। तो ऐसे में देखना होगा कि जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो आज का क्या कुछ दृश्य अंदर से निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।